क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का भी, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज एक पहले बना लेते हैं, जिसका यहाँ ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो होंगे ना वृत्त पर स्थित होते हैं, वही ना चक्रीय चतुर्भुज होता है। ए बी सी डी, और यहाँ वृत्त का केंद्र जो है ना आपका ओ है, तो वृत्त का केंद्र है जो कहाँ पर है, जो जिस केंद्र वो वृत्त का केंद्र है जो एसी पर है, जो एसी पर है, यानी एसी को मिलाएंगे तो वो ओ से होकर जाएगा, यानी कि एसी आपका व्यास हो गया। एंगल बी डी सी बराबर 43 डिग्री, बी डी सी बराबर में 43 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे हमें मिलाना होगा एंगल बी डी सी, ठीक है, यहाँ बी डी सी है, बी डी सी 43 डिग्री है केंद्र। इस ऐसा नहीं है कि ये भी व्यास है, ठीक है, केंद्र अलग है, ठीक है, केंद्र ओ जो है सिर्फ एसी पर है, बी डी पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बी डी सी आपका 43 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल ए सी बी, इसका मान निकालना है। तो समझो ना यार, सिंपल सी तो बात है। यहाँ पे हम लोग दो दो तरीके से, अभी पिछला क्वेश्चन जिस पे देखे ए नंबर, ये 43, तो ये 43 निकल जाएगा है ना, और यह 90 हो जाएगा, तो ये तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा। अभी जो बनाए हो, अभी पिछला क्वेश्चन जो बनाए हो सेम इसी पे था, ये 43, तो ये 43, ये 90 हो जाएगा, तो ये तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, सेम उसी तरह का ये अभी क्वेश्चन है। और भी तरीका है इसको बनाने का, तो मैं जो दूसरा तरीका है वो बता देता हूँ। पहले तरीके से आप समझ गए, ए सी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, व्यास क्यों होगा, क्योंकि वो केंद्र ओ से होकर जा रहा है, व्यास है, तो एंगल ए डी सी 90 हो जाएगा। एंगल ए डी सी यानी यह वाला पूरा, यह व्यास है तो यह वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ए डी सी दो एंगल से बना है, एंगल ए डी बी और प्लस में एंगल बी डी सी बराबर में 90 डिग्री। देख लो, ए डी बी और आपका यह बी डी सी, यह दोनों मिलके तो एंगल ए डी बी और प्लस बी डी सी का वैल्यू दिया है 43 डिग्री बराबर में 90 डिग्री। इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो एंगल ए डी बी ये जाके उसमें से घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो घटेगा तो यह 47 आ जाएगा, ठीक है, चलिए 47 आ जाएगा, तो ये वाला आपका 47 आ गया, 47 डिग्री आ गया ए डी बी, तो यह इसके बराबर ही ना होगा, क्योंकि देखो यह वृत्तखंड है और इसके द्वारा बने हुए ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये 47 हुआ, तो यह भी आपका 47 हो जाएगा, यानी कि एंगल ए सी बी बराबर में एंगल ए डी बी। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड से बने कोण बराबर होते हैं, बने कोण समान होते हैं, समान होते हैं। चलिए तो यहां से आपका हो जाएगा एंगल ए सी बी बराबर में 47 डिग्री। इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं, या पहले वाले तरीके से भी इसे बना सकते हैं। तो नंबर